हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना ऑनलाइन मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने ना बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स देखे हैं, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड भी किया है कि आप ऑनलाइन मंगाओ और ऑनलाइन देखो। तो मैंने वैसे कभी ख़रीदे नहीं है ऑनलाइन मेकअप प्रोडक्ट्स, मैं सब मार्केट से लेकर आती हूँ। लेकिन ना मार्केट में ना बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वही उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमें ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, या कैसे होते हैं वो प्रोडक्ट्स, वो ओरिजिनल होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने भी फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं, तो जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ वही चीज़ें, काफ़ी सारी मैंने वही ब्रांड्स मंगवाई हैं, रिलेटेबल चीज़ें मंगवाई हैं मैंने। तो चलिए उनको खोल कर देखते हैं कि वो कैसे निकलने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो में मैं वही आपको दिखाऊंगी, उनका ट्रू रिव्यू आपको देने वाली हूँ, और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है और बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं इन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मीशो वाले प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, उनका कोड होता है, उनका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो मेरा लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सभी का मैं आपको ट्रू रिव्यू दूंगी, तो जैसा आपको प्रोडक्ट लगे आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है मैंने। ये मैलियो का अल्ट्रा HD फाउंडेशन, इनविजिबल फिनिश वाला है ये, और मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ खुद हमेशा से ही। मार्केट से ही ना बहुत महंगा आता है, 500 के आसपास आता है, लेकिन ना ये मुझे फ्लिपकार्ट पे मिला 300 के रेंज में और 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। इवन दो फिर भी आपको ना 350 का पड़ गया, तो काफ़ी अच्छा है। और इसको ना जब यहाँ से पढ़ते हैं ना एग्जैक्टली ये मैलियो या मालियो मजाक कर रही हूँ फ्रेंड, एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पढ़ा जाता है, मैलियो ही बोलती हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आता है, बहुत ही सुंदर लगता है, हमेशा से मैं यही यूज़ करती हूँ। चलिए अब ट्राई करते हैं कि इस रेंज में ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या कैसा निकलने वाला है, मुझे नहीं पता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं खोल के कि ये कैसा निकलेगा। मैं कुछ काटने के लिए भी नहीं लेकर आई, खुल तो गया। ये सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, जो मैं गिरा रही हूँ जोक्स अपार्ट अपना प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमेशा मुझे ना अच्छी चीज़ें, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसकी ना बॉटल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारी बॉटल है। तो ये आप अपने ना ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे अगर सजा भी देते हैं ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। हमेशा से मुझे ना अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बॉटल तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारी पैकिंग है इसकी, बहुत ही सुंदर है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट देखते हैं यूज़ करके कि कैसा है। फर्स्ट पंप में तो निकला नहीं, कम डाला है क्या इन्होंने ओके, ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने फर्स्ट पंप में ही। सी फ्रेंड्स, ये ब्लेंड तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा निकल गया था फर्स्ट पंप में ही। मैं पूरे फिंगर पे, पूरे हाथ पे ब्लेंड कर देती हूँ इसको, वेट अ मिनट। ब्लेंड तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है इसकी, ये देखिए, तो प्रोडक्ट तो ओरिजिनल ही लग रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ है, वो तो मैंने बहुत ही जल्दी ब्लेंड किया है और आपके सामने वीडियो में, अदरवाइज़ हम लोग जब मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ईजीली उतर भी नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ना रिमूव हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, थम्स अप है मेरी तरफ से। और अगर ये इतना सस्ता ऑनलाइन मिल रहा है तो आगे से मैं मार्केट नहीं जाने वाली हूँ, मैं ऑनलाइन ही लेने वाली हूँ, तो इसके लिए थम्स अप है। इसको बिल्कुल ट्राई करके देखिए, इतना अच्छा फाउंडेशन और इस रेंज में मिल रहा है यार, मुझे भी अनबिलीवेबल लग रहा है, मैंने कभी नहीं ख़रीदा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाई है 5-in-1 लिपस्टिक, और ये मीशो से है, और मैंने ऐसी चीज़ कभी ट्राई नहीं की है, बट ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव सी लगी, अच्छी लगी, तो मैंने मंगवा ली। और आपने मेरे हाथ पे नोटिस किया, मेरा ये हाथ गोरा हो गया और ये काला रह गया मैंने यहाँ फाउंडेशन लगाया था, तो काफ़ी डिफरेंस है। ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, नज़र आ रहा है डिफरेंस,
तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है वो, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये लिपस्टिक के शेड्स देख लीजिए आप, ये शेड्स हैं इसमें, मुझे सब ठीक ही लगे, अच्छे शेड्स हैं। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, इसको मैं हटा ही देती हूँ। चलिए ट्राई करके देखते हैं इसके शेड्स। कलर तो अच्छा है, ये देखिए फर्स्ट शेड है इसका, और ये आपको ना सिर्फ 150 में मिल रही है, और इसमें ना 1, 2, 3, 4, 5 in 1 बॉक्स पे भी लिखा हुआ है, 5 शेड्स मिल रही हैं, तो 150 में 30 रुपीज़ की मिल रही है आपको, तो ये एज अ लिप बम भी यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी ठीक ही है आई थिंक। और ये इस तरीके से जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, जब वो पेंसिल्स आती थी आगे से सिक्का ख़त्म हो गया पीछे लगा लो, उस तरीके का है कुछ। नेक्स्ट शेड है ये, शायद डस्टी ब्राउन शेड थी पहले, और नेक्स्ट शेड है ये पिंकिश शेड है, ये भी काफ़ी अच्छी शेड है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, मैं आपके सामने ट्राई कर रही हूँ, मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया था इसे। नेक्स्ट शेड, ओ माय गॉड लो ले लो 150 की लिपस्टिक ये तो निकल गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये तो टूट गई फ्रेंड्स, आपके सामने टूटी है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, अगर मंगाओ तो आराम से यूज़ करना। चलिए नेक्स्ट शेड, ये नेक्स्ट शेड है, ये थोड़ा न्यू काइंड ऑफ कलर है जैसा आजकल गर्ल्स प्रेफर करती हैं, कलर अच्छा है अगर जनरली आप घर में नॉर्मली लगा कर रखना चाहो तो। ये नेक्स्ट शेड है, ये भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है मुझे, ये और ये शेड एक ही जैसी लगी दोनों, जो हमने सेकंड नंबर पे ट्राई करी थी और ये फोर्थ पे ट्राई करी है, ये एक ही जैसी शेड्स हैं। और एक जो टूट कर गिर गई थी इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जब टूटी गई है तो अब पैसे तो लगे हुए हैं हमारे। ओके ये मैंने ज़्यादा रगड़ दिया, ये मरून शेड आई थिंक मरूनिश शेड है, ब्रिक रेड कह सकते हैं आप, ठीक है, बट शेड्स सारी अच्छी हैं, शेड्स बुरी नहीं हैं, ये शेड्स हम लोग यूज़ करते हैं इन जनरल भी, बट अगर ये ऐसे टूट के गिरेगी तो इसका फ़ायदा नहीं है, और अगर ना टूटे तो 150 में नुकसान भी नहीं है, तो ये मेरी तरफ से सो है, तो 50-50 आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो। और यहाँ ब्लेंडर मैंने फर्स्ट उसमें यूज़ किया था, ये मेरा खुद का है, ये मिला नहीं है साथ में फ्री में, तो अब चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, मैं ये सब चीज़ें रखा हूँ इतने। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये लिपस्टिक, और ये मेबलिन न्यूयॉर्क की लिपस्टिक है, और मैं ना मोस्टली मैलिन या मिलानियो या फिर ADS प्रो बहुत अच्छी लिपस्टिक्स होती हैं वो यूज़ करती हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है, और ये देखिए 677 नोहो एम्बर, ये इसका कलर नेम है, और इसमें अलग अलग शेड्स भी हैं, तो आप कोई और शेड ट्राई करना चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये शेड, मुझे अच्छी लगी फ़ोन में देखने से, कलर वलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवाया, इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं नीचे, ये वाले शेड्स हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको ट्राई किया है, और जो मैंने आज अप्लाई कर रखी है ना, ये यही शेड है, ये आप देख सकते हैं, मैंने जो अप्लाई कर रखी है ये यही शेड है, मैं यहाँ पे भी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये देखो, तो काफ़ी अच्छी शेड है ये, मुझे अच्छी लगी, और पिगमेंटेशन भी अच्छी है, जो इस पर लिखा हुआ है 24 आवर तक वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने लिप्स पे लगा रखी है वो उतर नहीं रही है, तो पिगमेंटेशन अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे अच्छी लगी। अब मैं जो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो मैंने मंगवाया है हुडा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, वैसे हम लोग ना लैक्मे वगैरह के बहुत महंगे महंगे यूज़ करते हैं, तो ये सस्ता सस्ता मीशो पे, हाँ बहुत से लोगों ने मुझे मीशो का बहुत रिकमेंड किया था कि आप मीशो से मंगवा कर देखो, तो ये हुडा ब्यूटी यार थोड़ा सा ना फैला हुआ है मेरा तो, पर कोई बात नहीं, ये पता कॉरियर वाले कर देते हैं, वो अच्छे से पैकेज को रखते तो है नहीं। चलिए ट्राई करते हैं, ये इसका पफ है और साथ में पैकिंग रिमूव कर देते हैं, इसकी पाउडर क्वालिटी तो अच्छी है, आप ये देख लीजिए, ये इसकी पैकिंग आई है, थोड़ा सा टूट गया है, वो कोरियर में ना उठाते वक्त ना चीज़ें आधी बार ऐसे होती हैं, कोरियर्स को थ्रो कर देते हैं इधर उधर, उनको पता नहीं होता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, तो हम इसको ना ये लिपस्टिक जो मैंने लगाई ना इसको इरेज करके देखते हैं कैसा होता है, कैसा अप्लाई होता है इस पर। इस
शाइनी तो है ये काफ़ी, पर बहुत सारा लगाना पड़ रहा है। देखो शाइनी तो है, चलिए कहीं और ट्राई करते हैं क्योंकि लिपस्टिक के ऊपर अच्छे से शो नहीं हो रहा है। यहाँ ट्राई करते हैं, हाँ साफ स्किन पे, अब ऑब्वियसली कोई लिपस्टिक पे थोड़ी लगाएगा उसको, मैं भी आपके साथ गलत कर रही हूँ। तो ये देखो, अब अगर इसको हमने ना स्किन पे लगाया है, फाउंडेशन के बाद हम लगाते हैं मेकअप के टाइम, तो देखो अगर अब हमने फाउंडेशन के बाद इसको लगाया तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन लग गया है, काफ़ी अच्छे से स्किन में ब्लेंड भी हो गया है। और ये देखो इसके अंदर ना कुछ, ये वैसे मैंने देखा नहीं था, ये इसमें प्रोडक्ट में भी नज़र आ रहा है आपको, कुछ स्पार्कलिंग सा है प्रोडक्ट के अंदर, नज़र आ रहा है आपको वीडियो में, ये देखिए कुछ स्पार्कल हो रहा है अंदर। और ना मेरे हाथ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, ये देखो हाथ पे भी ना कुछ स्पार्कलिंग सा हो रहा है, तो शायद इसके अंदर ना ग्लिटर्स डाले हुए हैं उन्होंने, हाँ कुछ नज़र आ रहा है ग्लिटर जैसा, कुछ ग्लिटर्स डाले हुए हैं उन्होंने, तो अच्छा है। अगर आपको कुछ पार्टी के लिए चाहिए तो डेली यूज़ में, या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में, तो हम ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, ग्लिटरी है बट अच्छा है, इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है, मुझे अच्छा लगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो VLCC की फेस वॉश, और ये मैं हमेशा वैसे भी यूज़ करती हूँ, और मार्केट में नियर अबाउट 200 की एक आती है, और ये मुझे ऑनलाइन दो मिल गई है 300 की। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये है टर्मरिक एंड बाबरीज वाली फेस वॉश VLCC की, और इसको मैंने वैसे भी यूज़ कर रखा है पहले भी, ये काफ़ी अच्छी होती है। और फेस वॉश मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि फेस वॉश ना वैसे भी हमारे लिए मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ये डेली यूज़ के लिए डेली यूज़ प्रोडक्ट है। और जब भी हम फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं, मैं वीडियोज़ बनाने के लिए तो अप्लाई करती ही करती हूँ, तो उसको उसके बाद उसको वॉश करना पड़ता है, सभी हम फेस पे थोड़ी रख लेंगे सारा मेकअप, स्किन खराब होती है। तो ये आप यूज़ करिए, ये काफ़ी अच्छी है, आप ट्राई करके देखिए, मैंने ट्राई कर रखी है लेकिन मैंने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मंगवाई है, और रेट भी काफ़ी अच्छा मिला मुझे ऑनलाइन में, तो आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए। और अगर आप फेस वॉश या सोप्स वगैरह नहीं भी यूज़ करते ना, तो भी हमें रात को ना हमेशा सोने से पहले फेस ज़रूर वॉश करना चाहिए। वैसे तो मैं फेस वॉश से ही करती हूँ, अगर आप नहीं यूज़ करते हैं ना तो सोप से यूज़ कर, सोप कर लीजिए, या मुल्तानी मिट्टी से अपना फेस ज़रूर वॉश करिए, क्योंकि जो दिन भर का मेकअप प्रोडक्ट हमारे फेस पे होता है ना, वो रात को कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं उससे। तो ये मैं आपको एक मेकअप की टिप दे रही हूँ, सॉरी एक टिप दे रही हूँ, वैसे ही ट्राई करके देखिए, अच्छी है क्योंकि रात को हमारी स्किन ना सांस लेती है जब हम सो रहे होते हैं तो ट्राई, और ये काफ़ी अच्छी है, अगर आपको ट्राई करनी हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे रिव्यू कैसे लगे, और आपको कैसे लगे ये सब प्रोडक्ट्स, और आगे में आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और बेल बटन को हिट करना ताकि आपको मेरी अलग नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। मिलती हूँ अगली बार एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।